टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में हर रोज एक नया ट्विस्ट आता है और अब फैंस भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कहानी आखिर जा किस डायरेक्शन में रही है। अगर कस्टडी केस होना है तो कस्टडी केस हो, और नहीं होना है तो अभिमन्यु और अक्षरा के एक होने के लिए कोई एक कदम तो आगे बढ़ाए। लेकिन अभिमन्यु और अक्षरा के कैरेक्टर्स में इतने ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इनको इतना अलग कर दिया गया है कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ वापस आ पाना उतना ही मुश्किल लग रहा है। अभीर को लेकर ये दोनों झगड़ते नजर आएंगे आने वाले एपिसोड्स में, जबकि अभीर को भी पता चलने वाला है कि वो अभिनव का बेटा नहीं है, अभिनव उसके रियल फादर नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये देखना होगा जब उसे पता चलेगा कि अभिनव नहीं बल्कि अभिमन्यु उसके रियल फादर है। अभिमन्यु को ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। एक तरफ अक्षरा इस उलझन में फंसी होगी, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मंजलि एक बार फिर से विलन की तरह अक्षरा और अभिनव की लाइफ में काफी ज्यादा क्योस क्रिएट करने वाली है। मंजलि को चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक अभीर उसके घर पर आ जाए, और इसके लिए वो अक्षरा और अभिनव को गलत दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एंड ऑफ कोर्स ये चीजें अभिमन्यु को मंजूर नहीं होगी, और उसकी माँ की सच्चाई उसके सामने इतनी आसानी से आएगी नहीं, और तब तक अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में और भी ना जाने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले एपिसोड्स में अभीर को मंजलि किडनैप कर लेगी और इल्जाम डाल देगी अभिनव और अक्षरा के ऊपर केयरलेस पेरेंट्स होने का, ताकि उसे और अभिमन्यु को अभीर की कस्टडी मिल सके, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है कस्टडी पाने का। और ये बात ऑफकोर्स बाद में जाकर अभिमन्यु को पता चलेगी और उसे काफी रिग्रेट भी होगा।